कोई राक्षस प्रवृत्ति का आदमी है और हमसे नहीं छूट पा रहा है, तो हमने क्या करना है, थोड़ा सा उसको हिला करके नहीं तो आप उसको उस समय ये होश नहीं रहेगा, वो टाइम पकड़ने पर ज़्यादा ध्यान देगा, उसके मूवमेंट नहीं होंगे और हमने बस हल्के से उसको उसके दोनों अंगूठों को बढ़ा, दोनों अंगूठों पर चोट लगते ही उसकी पकड़ ढीली हो जाएगी और हमने बचा सकते। एक तीसरा होता है कि हमारा गर्दन पकड़ने का काम, हम आमतौर पर जैसे पकड़ते हैं कि हम उल्टा उसकी पकड़ को मजबूत कर देते हैं, बहुत सिंपल है। करना क्या है, केवल इसके हाथों को मंदी ग्रिप से पकड़, मंदी ग्रिप बोलते हैं पहले, और एक पैर को पीछे लेना, सिंपल ही आपको कंफर्ट देना है इसमें, और अपने को नीचे की तरफ डाल देना है। तो यदि ये आमतौर पर ऐसा ही होता है, इसी प्रकार से जो है हमारे ऊपर अटैक्स होते हैं, होल्डिंग होती है, ऐसे ही यदि कोई हम लड़कियां हैं महिलाएं हैं आपके ऊपर अटैक होता है तब आप कैसे करेंगे बेबी यार? आप मैडम बता रहे हैं कि पकड़ लें, आमतौर पर उसकी चोटी पकड़ ली जाती है, ऐसे पकड़ देना चोटी। अब ऐसे में क्या करेंगे, ऐसे में कैसे बचाना है, इन्होंने ये चोटी पकड़ी हुई है, इधर से पकड़ा हुआ है, यहाँ गति का खेल, आपकी गति कितनी काम कर रही है, आपके पास आपका ये हैंड फ्री है या इधर से पकड़ा है तो आपके पास ये हैंड फ्री है, थोड़ा सा अपने आप को पीछे खींचना और बहुत तेजी से अपने हाथ को खींचे दिया, थोड़ा सा आपको नहीं चोट नहीं लगी, इसको पकड़ के रखिए अच्छे से, ये चोटी पकड़ी हुई है, आप कहते हैं ये मैडम का चोटी पकड़ा है, एक बार टेक्निक देखेंगे फिर उसके बाद हमें क्या करना है, अपने जो भी फ्री हाथ है जिधर से उन्होंने पकड़ा है थोड़ा सा खींचना और इसको गति से पीछे की तरफ करना, जब हम एकदम गति से करेंगे तो उसका कितना भी टाइट है वो ये जो है वो हट जाए, ये पकड़ा हुआ थोड़ा पीछे उधर खींचिए, अपने आप को उधर खींचिए, हाँ अब इसका बहुत अच्छा रोल होता है, इससे हम अपने आप को बचा सकते हैं। आज तक ये हमारा को पकड़ा हुआ है, इधर आगे मंकी ग्रिप, हमने इसकी मंकी ग्रिप पकड़ना है, थोड़ा सा खींचना है, अब हमें क्या करना है, अपनी गर्दन को इधर ले करके और अपने कमर पर ट्विस्टिंग देनी, ऐसे हमको अपने आप को इसके अलावा शतकृत करने का है, हमारे हाथ में कुछ ना कुछ होता है, जैसे हम बैग लेकर के चलते हैं, आमतौर पर बैग है क्या कोई, आप बैग है कोई बैग है या कोई बट
बच्चे में लेटा है वो ये कोई भी अपना बैग ले लीजिए, उसमें से बोल निकाल देना रहे तो निकल जाएगा। बोलो
इसका जितना ये हम प्रोग्राम इसको प्रैक्टिस नहीं करते हैं, लेकिन यदि हमें सेल्फ डिफेंस टेक्निक सीखना है तो ऐसी कोई भी चीज, इवन हमारे हाथ में यदि छुट्टी है और उसमें हमने कोई एक पत्थर लगा लिया है तो वो भी ऐसे ही घूमेगी, उसका एक कॉर्नर पकड़ करके आप उसको घुमाइए, आगे आजू बाजू कोई नहीं है। तो ऐसे में और आखिरी चीज होती है, यदि आप अकेले हैं या आपका अटैकर मजबूत है तो जब उसको आप परेशान कर लेंगे उसके बाद वो भाग जाना, ये नहीं फिर बहादुरी दिखाने लग जाओ कि बोले अब मैं इसको मार के ही जाऊंगा आ जाऊंगी, जैसे ही मौका लगे आखिरी टेक्निक ये है फिर वहां से क्या हो जाना है, आज भाग जाइए, ये नहीं फिर वहां बहादुरी दिखाने लगो कि मैं तो जूडो कराटे सीख गया हुआ हूँ आज तो मैं इसको सबक सिखा करके ही रहा हूँ। तो ये कुछ टेक्निक्स हैं, इनका प्रयोग करके हम अपने आप को डिफेंड कर सकते हैं और सामने वाले यदि कोई अटैकर है तो उसको परेशान। धन्यवाद।